तो अभी मैं बना रही हूँ चावल और भुजिया, क्योंकि मतलब बिना नमक के कुछ भी खा सकते हैं, बट चावल और भुजिया मतलब कि जो कच्चा चावल होता है ना, अरवा चावल, वो चावल खाना होता है, और भुजिया बिना नमक का। वैसे तो बिना नमक का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बट जो भी आपको सही लगे वो खा सकते हैं। रोटी नहीं खाना होता है आज, तो इस वजह से चावल भुजिया तो देखिए ये बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये वाला जो ब्लॉग है ना, वो पंचमी के दिन का ब्लॉग है, और सावन के पंचमी और तृतीया 2 दिन हम लोगों को नमक नहीं खाना होता है। एक्चुअली ब्राह्मणों में जिनके यहाँ मतलब मधुश्रावणी होता है, कभी किसी किसी को नहीं भी चलता है, बट ज़्यादातर 99% चलता ही है। तो ब्राह्मणों में जो मधुश्रावणी होता है वो पंचमी से लेकर तृतीया तक होता है। तो फर्स्ट साल, शादी के फर्स्ट साल तो पूरा 14 दिन तक फास्ट रखना होता है लगभग, अनूना खाओ या फलाहारी। लेकिन उसके बाद सेकंड साल से आप जितना दिन चाहो, वैसे 5 साल तो ज़रूरी है, उसके बाद जितना दिन चाहो अनूना कर सकते हो, मतलब कि बिना नमक के खाना है पंचमी और तृतीया को। तो ये पंचमी के दिन का ब्लॉग है, तो वही मैं पहले दिखा रही थी कि मैं चावल और भुजिया बना रही हूँ अपने खाने के लिए। और इस दिन दिन में कुछ भी आप खा सकते हैं बिना नमक का, बट शाम से कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। जैसे ही सूरज ढल जाता है उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। वैसे पीने वाले लोग पीते हैं, बट नहीं पीना होता है। तो आप जैसे नॉर्मल डे में पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लेना होता है, और उसके बाद एक बार खाना खा लो, और उसके बाद शाम से पहले आपको जो भी खाना पीना है, जो भी बिना नमक का खाना पीना है वो खा लो, उसके बाद से आपको कुछ नहीं खाना होता है। तो उसके बाद मैं ये सीरम मास्क जो है वो चारकोल का, वही लगा रही हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाई हूँ, बट इसका ये ब्लॉग में ही शेयर कर रही हूँ। वैसे आज मैं ये वाला शीट मास्क लगाने वाली हूँ, बहुत पहले मैं लगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था एक वीडियो में। वो मतलब कि पर्सनल है इसका, सिर्फ ये लगाते हुए हैं, ये तो मैं ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बार बार तो एक ही चीज़ का रिव्यू तो नहीं कर सकती ना। तो ये 99 रुपीज़ का है, और गार्नियर स्किन नेचुरल्स का है, और ब्लैक सीरम मास्क प्योर चारकोल है। तो मतलब कि ये वैसे तो बताता है कि वीक में एक बार लगा लिया करे, बट इतना कहाँ पार लगता है किसी से कि वीक में एक बार लगाएगा। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्लो की ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाना है तो सुंदर दिखना है, तो ये इंस्टेंट ग्लो देता है। ये एकदम 100% है कि आप लगाते हो उस दिन आपका चेहरा एकदम ग्लो करते रहता है। तो आज मुझे ये लगाना है, आज मेरा मन कर रहा था, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सोमवार के दिन लगाऊंगी, बट सोमवार के दिन नहीं लगा पाई थी, तो इसलिए आज ही मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है, तो इसको ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरम इसमें रहता है। तो इस तरह से अपने फेस पे एडजस्ट कर लेना है, और इसका जो बनावट दिया हुआ है आँख नाक होठ का, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। चाहे किसी का छोटा फेस हो या बड़ा, सब पे बहुत अच्छे से चला जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा सीरम है ना इसमें भरा हुआ है, इस वजह से ओपन करने में टाइम लगता है और लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब टाइम नहीं लगता है, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसमें। तो गाइज, मैं 15 मिनट क्या 20-25 मिनट के लिए सो ही गई थी, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो नींद आ गया था। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी, ये पूरी तरह से सूख गया है। अगर 15 मिनट में रिमूव कीजिएगा तो पूरी तरह से नहीं सूखेगा, और शायद 15 मिनट में ही रिमूव करना चाहिए, बट मैं थोड़ा सो गई थी, नींद आ गया था। तो ये देखिए, 25 मिनट मैंने रख लिया है, देखिए इससे कोई गोरा नहीं हो जाता है, बट क्या है ना कि सीरम की वजह से फेस स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाता है और ग्लोइंग फेस हो जाता है। अभी भी देखिए इसमें इतना सीरम भरा हुआ है, मतलब तो बस आप एक काम कर सकते हैं, जो भी सीरम लगा हुआ है ना फेस पे, उसको आप हल्का हल्का सा, अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से मसाज कर सकते हैं।
तो बस आप लोग अगर यूज कर रहे होंगे तो इसका जो फ़ायदा है अच्छी तरह से पता होगा कि कितना हाइड्रेट करता है स्किन को और ग्लोइंग करता है। आप अगर मेकअप भी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई पार्टी फंक्शन में आप मेकअप करना चाहते हैं, तो उससे पहले भी आप ये यूज कर सकते हैं। 15-20 मिनट पहले यूज कर लीजिए, और ज़्यादा अगर मतलब 15 मिनट में अगर इसको रिमूव करते हैं तो फेस पे ज़्यादा सीरम होता है, तो कॉटन से पोंछ के और मेकअप लगा सकते हैं, और धोने का ज़रूरत नहीं है। तो और अगर नहीं मेकअप करना है, अगर घर पे रहना है, तो लगा करके आराम से रख सकते हैं, तो ग्लोइंग स्किन, अच्छा स्किन दिखता है। और अगर आप चाहते हैं तो डेली भी यूज कर सकते हैं, ऐसे होता नहीं है किसी से इतना नहीं मतलब आलस आ जाता है, तो डेली कौन यूज करेगा, वीक में एक बार यूज कर ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर डेली भी यूज करते हैं तो कोई ख़राबी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीरम है स्किन के लिए तो अच्छा ही होता है। तो डेली भी यूज कर सकते हैं, वीक में भी यूज कर सकते हैं। अगर वीक में आप नहीं यूज कर रहे हैं, अगर कहीं जाना चाहते हैं, कभी किसी दिन आपको चाहिए कि ग्लोइंग इंस्टेंट ग्लो चाहिए फेस पे, तो बस यूज कर लीजिए, 15 मिनट बाद हटा दीजिए, इंस्टेंट ग्लो हो जाएगा, ग्लोइंग फेस लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं बाद में, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद मेरे ब्लॉग अभी जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और आज का पूरा ब्लॉग शूट करने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं बाद। ये देखिए क्या आया है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, देखिए खोलते हैं इसमें क्या है। चुंदरी साड़ी है, एक्चुअली चुंदरी साड़ी का कुछ ज़्यादा ही आजकल शौक चल रहा है, तो ये भी चुंदरी साड़ी है, और इसकी प्राइस है 269, 269 रुपये का है ये साड़ी। और ओपन करके देखती हूँ कैसा क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो इसका है वो बहुत अच्छा नहीं है, सोचने वाली बात है, 269 रुपया में कैसा क्वालिटी का साड़ी आपको मिलेगा। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है, 269 के हिसाब से ठीक है, 250 रुपये में साड़ी आती है क्या, तो उस हिसाब से ठीक है, बट इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। ये है इसकी बॉर्डर, बॉर्डर गोल्डन टाइप का है और पूरा ग्रीन है, वाइट का जो है वो बूटा बूटा दिया हुआ है, अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये साड़ी है जो कि मैंने पहन लिया है। तो ब्लॉग शूट कर ही रही थी और उसमें साड़ी दिखाई दी, तो सोचा पहन के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और ग्रीन साड़ी पहनने का मन कर रहा था, अभी सावन है, तो 2-3 साड़ी ऑर्डर की हूँ, बट अभी तक एक ही आया है, दूसरा आ चुका है, बट जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आ चुका है, इस टाइम पर एक आया था इसलिए मैंने एक दिखाया। और इतना कम रेंज में साड़ी भी मिलता है, ये सोच करके मैं देखने के लिए ये साड़ी मंगाई थी कि सच में कैसा होगा 250 के साड़ी। वैसे तो आप 1000 के नीचे तक का साड़ी लेते हो, बट 250 बहुत सोच अच्छा नहीं तो साड़ी नहीं है, ऑब्वियसली इतने रेंज में बहुत अच्छा साड़ी तो नहीं मिल सकता है, बट हाँ ठीक ठाक साड़ी है, आप पहन सकते हो, इतना नहीं है कि एकदम पहन नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक ही है साड़ी। जैसा कि पहले लिखा हुआ था कि कौन सा कॉटन सिल्क है, तो ये कॉटन सिल्क है, कॉटन सिल्क साड़ी तो ऐसा ही होगा। और हाँ, जब 250 की साड़ी है तो इसमें फिनिशिंग नहीं है, जैसे कि ये ब्लाउज पीस ऐसे यहाँ से कट करवाया हुआ है, तो यहाँ पिको करवाएंगे, अगर ब्लाउज सेट पहनेंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये तो मैंने ऐसे ही रेड ब्लाउज पर डाल लिया है, अगर ब्लाउज सिलवा करके अच्छे से पहना जाएगा तो अच्छा लगेगा। साड़ी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, 250 में तो ऑब्वियसली ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।